प्रेज लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड, मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं नाम बैठे हैं पत्रसा कुफिया होना नाम बैठे हैं पत्रसा कुफिया होना दूर समुंदर में रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा दूर समुंदर में यीशु का कहना माना ढेर सी मछली पकड़ी दूर समुंदर में पेजलाड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं आज की सच्ची और प्यारी दिन के समय में, कि खुदा बाप ने ये मौका दिया कि एक बार फिर आपसे रूबरू हो के मुखातिब हो सके और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुबारक कह सके। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये एक उम्दा समय मुझे और आपको दिया है कि हम अपने आसमान के खुदा की सिताइश, उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ करें। आइए खुदा के कलाम में चलते हैं और खुदा के कलाम के उस हिस्से में चलेंगे जहां आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, मुझे और आपको आत्मा से भरना मांगता है और एक सीख मुझे और आपको देना मांग रहा है कि हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहों के लिए, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों को अपने जीवन में अमल करें, इन बातों के द्वारा अपने आप को और अधिक बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। मैं पढ़ रहा था मती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले लोगों को मतलब समझा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि एक बड़ा जलसा निकाल लेना, यीशु मसीह के पीछे चलने का केवल यही मतलब है गले में सिर्फ टांग लेना, यीशु मसीह के पीछे चलने का केवल यही मतलब है घर में तस्वीर लगा लेना या गाड़ी में बढ़िया सा स्टिकर लगा लेना या एवरी संडे चर्च चले आना या यूं कह लीजिए कि चर्च में खड़े होकर गीत गा लेना, टेस्टिमनी दे देना, संडे संडे सर्विस अटेंड करना। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यही है, लेकिन सुनिए आज खुदा बात कर रहा है उन लोगों से जो आज इस बात को कहना मांग रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या चलना चाहते हैं। तो सुनिए खुदा आपसे आज यूं मुखातिब होना मांग रहा है। मती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय है और उसकी 24वीं आयत के अंदर यहां परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। यहां यीशु मसीह पहली बार अपने चेलों से बात कर रहे हैं, दूसरी बार वो किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन सुनिए क्या लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आज की सुबह, आज के दिन में खुदा बाप मुझसे और आपसे कहना मांग रहा है कि अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, हमें अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ डिनाय, यानी कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ही ही है। बहुत से लोग सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि सिर्फ बैप्टिज्म ले लिया, हम चर्च जाने लगे, हम दुआएं करने लगे, हमारे घर में प्रार्थनाएं होने लगी, एंड दैट्स इनफ। नो, दैट्स नॉट इनफ, इतना काफी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है तो मुझे और आपको एक बात सीखनी पड़ेगी, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, हमें अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, हमें अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का इनकार करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी आएंगी जो हमें परमेश्वर के साथ कंपैरिजन
करनी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो खड़ी हो जाएंगी कि हम चूज करें कि हम परमेश्वर को चुने या उन बातों को जो हमें अच्छी लगती है हम उन्हें चुने। लेकिन जब अगर हमें फैसला करा है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें उन बातों को जो हमने सोची है कि नहीं ये हमारे फायदे की है, नहीं ये बात बहुत अच्छी है, मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरा एटीट्यूड, मेरा सोचना, मेरा समझना, ये वाली बातें जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जो मैंने ठान लिया यही बात ठीक है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है, ये वाली जो बातें हैं मुझे और आपको इन बातों को डिनाई करने की जरूरत है, मना करने की जरूरत है, अपनी इन बातों को दूर करने की जरूरत है। अब कोई कहे ये वाली बात तो चेलों के लिए लिखी है, इससे कलीसिया का क्या मामला है, पादरी साहब ये काम तो आप करो, वर्शिप लीडर ये काम तुम करो, प्रेजेंस वर्शिप कराने वालों ये काम तुम करो, कलाम देने वालों, प्रार्थनाएं करने वालों, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वालों ये काम तो आपका है। लेकिन सुनिए यहां पे बात खत्म नहीं होती, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 23वीं आयत पे तब उसने सबसे कहा, अभी यहां यीशु मसीह केवल चेलों से बात कर रहे थे, अब खुदा बाप का बेटा सबसे बात कर रहा है, पूरी जमात से बात कर रहा है। आज खुदा के लोगों मैं आज उन सब से बात कर रहा हूं जो खुदा के घर में जाते हो, जो आप इबादत करने जाते हो, जो आप परमेश्वर की परस्तिश करने जाते हो सकता है आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो सकता है आप इबादत करते हो सकता है आप अपने घरों में दुआ कराते हो, लेकिन क्या कभी आपने इस वाली बात पर गौर करा कि बाइबल में लिखा है उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इंकार करे। इफ एनीबॉडी वांट टू फॉलो मी, इफ एनीबॉडी वांट टू नो मी, इफ एनीबॉडी वांट मी सेल्फ डिनाई, अगर कोई यीशु मसीह को जानना चाहता है, कोई यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है, कोई यीशु मसीह को पाना मांग रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप का इनकार करे, अपने गुस्से का इनकार करे, अपने झगड़े का इनकार करे, अपने अहम का इनकार करे, अपने ईगो का इनकार करे, मेरी मैं जो हूँ बहुत सही हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, पापा तुम्हें कुछ नहीं मालूम मुझे सब मालूम है, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं मालूम भैया आप कुछ नहीं जानते हो, पादरी साहब हमें बताने की जरूरत नहीं, घर कैसे चलाते हैं हमें सब पता है, आपका काम है आप बस दुआ करो, दुआ करके जाओ, आप अपनी इबादत से मतलब रखो, हमें मत बताओ कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना है, हमें पता है हमारा बच्चा है, हमें पता है घर कैसे चलाना है। ओ खुदा के लोगों आप बेशक चर्च में जाते हो सकता है सालों साल आप चर्च जा रहे हो सकता है सालों साल से आप किसी चर्च से जुड़े हुए हो, लेकिन कई मर्तबा हमारी जिंदगी में ये फैसले गलत हो जाते हैं कि हमें सब मालूम है। आपको मालूम है जो इंसान इस वाली बात को कहता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है, समझ जाइए उसे कुछ नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं आता। यही बात तो खुदा का कलाम आज मुझे और आपको बता रहा है कि मुझे और आपको अपनी खुदी को नीचे करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने शुरू करे और यीशु मसीह जब पैर धोता गया तो उनसे एक बात सिखाता चला गया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ करा है तुम भी एक दूसरे के साथ करो, अगर कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है तो वो सबसे पहले छोटा बने। आपको क्या आता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने समझदार हैं, आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना बिजनेस एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना फैमिली एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। लेकिन जब कोई आपसे बात करे, जब कोई आपको समझाए, जब कोई बुजुर्ग आपको समझाए, जब आपका खुदा खदीम आपको समझाए, आपके बड़े आपको समझाए, अपने आप को छोटा बना लीजिए। बाइबल में लिखा है दूसरे को अपने से बेहतर समझो, हम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं, घरों के टंटे यही तो होते हैं, मियां बीवी में झगड़े क्यों हो रहे हैं, तुझे कुछ नहीं आता, तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं। आज शौहर अपनी बीवी से इस तरीके से बात करता है, बीवी भी कम नहीं होती अपने शौहर से बदतमीजी से बात करती है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है, तुम्हें तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम निखट्टू सो नकारा हो। हो सकता है आप नौकरी करती हैं, हो सकता है आप अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, हो सकता है आप अपने पति से ज्यादा कमाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी धौंस अपने पति से ज्यादा जमाएं, आप अपनी पत्नी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी हो सकता है पढ़ी लिखी ना हो, हो सकता है 10वीं पास या केवल 12वीं पास हो, आपने PhD करी हुई है, आप MBA करे हुए हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बीवी को जूते की नोक पे रखें। आपके माँ बाप ज्यादा पढ़े हुए लिखे नहीं है, आपके माँ बाप ने ज्यादा एजुकेशन हासिल नहीं करी है, लेकिन आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने MBA करा हुआ है, आपने PhD करी हुई है, आपने कोई डिग्री हासिल करी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप को अपने से छोटा समझे। आए खुदा के लोगों केवल चर्च जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल चर्च में बैठ के इबादत करने से कुछ नहीं होगा, केवल अपने घरों में प्रार्थनाएं करा लेने से कुछ नहीं होगा, हम सोचे
कि मोटा वाला लिफाफा हम चर्च में डाल देते हैं, बस बात हो गई है, इतना काफी है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, इतना काफी नहीं है, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। मेरे अंदर क्या है, मेरा अहम, मेरा मैं, मेरा गुस्सा, मेरी बातें, जब तक ये वाली बातें हम अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक खुदा का कलाम हमारे जीवन में कोई काम नहीं करेगा, तब तक आसमान के खुदा की बादशाहत मेरे ऊपर नहीं होगी। और कहने नहीं दीजिए मुझे, तब तक मेरी चंगाई और मेरी बरकतें भी रुकी रहेंगी। मैं प्रूफ कर सकता हूं बाइबल में से, निकालिए मेरे साथ, मैं खुदा के एक खादिम के पास लेकर चलूंगा। वहां पे एक आदमी आया, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत रईस आदमी था। जब ये आदमी उस खुदा के खादिम से मिलने आया, खाली हाथ नहीं आया, उसके पास कई रथ थे जो सोने चांदी बेशकीमती कपड़े और बर्तनों से भरे हुए थे। सोने चांदी लेकर आया था कि अगर ये आदमी मेरा कोट ठीक कर देगा तो ये सब मैं यूं ही इसको दे दूंगा। ये और कोई नहीं, नमान था। दूसरा राजा, उसका पांचवा अध्याय है, और यहां पे लिखा है खुदा के खादिम के पास नमान कोड़ी आया। एलिशा के पास जब नमान कोड़ी आया तो उस अपने एक सेवक को भेजा कि जाके अंदर जाके बता दे कि मैं आया हूं। उसने लेटर लेकर आया जो राजा की तरफ से लिख कर लाया था। राजा का लेटर सबके पास नहीं हो सकता था, बहुत चुनिंदा लोग होते थे, खासम खास लोगों के पास होता था। और ये जब लेटर लेकर आया, लाकर इसने उस व्यक्ति को खुदा के खादिम को दिया, तो सुनिए खुदा के खादिम ने अंदर से अपने सेवक को कहला कर भेजा गहेजी से कि जाके उससे कह दे यर्दन नदी में 7 गोते लगा ले और इसका कोट ठीक हो जाएगा। सुनिए बाइबल में लिखा है, और इसकी 11वीं आयत में, तब नमान गुस्सा हो गया और गुस्से में फुनफुनाता हुआ वापस जाने लगा और कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि जरूर है वो बाहर निकलकर मेरे पास आएगा। ओ मैं कुछ हूं, मेरे पास उसे आना चाहिए। आज मसला तो यही है कि हमसे मिले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं करी, हमको रिसीव नहीं करा, हमारे पास नहीं आए, हमारे लिए कुछ नहीं करा। बताओ, शादी तो कर ली, हमको पूछा ही नहीं, हमसे कोई सलाह ही नहीं ली, इतना बड़ा इंतजाम कर लिया, लड़का देख लिया, हमसे सलाह नहीं करी, इन्होंने डेट फिक्स कर दी, हमसे सलाह नहीं करी, हम भी तो कुछ है, हमसे मिलना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आप इबादत करते हैं, आपके अंदर ये वाली फितरत नहीं होनी चाहिए। अपने रिश्तेदारी को एक तरफ रखिए और खुदा की बातों को एक तरफ रखिए। मत भूलिए कि परमेश्वर का लहू आपके ऊपर लगाया गया है, उस जीवित खुदा का लहू आप पे लगा है जिसने अपने आप को कुछ भी ना समझा। बाइबल में लिखा है, हालांकि वो परमेश्वर की सूरत पर तो था, फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के योग्य होने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को जीरो कर लिया। क्या मैं और आप जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं उसको उससे देख कर नहीं सीख सकते? वो था अपने आप में काबिल, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को जीरो कर दिया। इस व्यक्ति ने भी यही वाला काम नहीं कर पाया। ये मिला तो सही खुदा के खादिम से, लेकिन ये गुस्सा होकर वापस जाने लगा। ये सोच रहा था कि वो आएगा बाहर मुझसे मिलेगा, राजा का खत देखेगा, मेरा रुतबा देखेगा, मेरी प्रेस्टीज देखेगा, मेरा कद देखेगा, मेरे से मिलेगा, मुझे अपना हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा और शायद मेरे लिए प्रार्थना करेगा। कई बार हम लोग चर्चिस में गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हम लोग पास्टर से गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हम कलीसिया के लोगों से गुस्सा हो जाता है। हमें वो रिसीव नहीं करा, हमारा नाम पैम्पलेट में नहीं छपा, हमारा नाम इस बार गुड फ्राइडे ईस्टर पे नहीं पुकारा गया, इस बार बड़े दिन पे हमारे बच्चे का नाम नहीं लिखा गया, इस बार इनाम की लिस्ट में, गिफ्ट्स की लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, प्रार्थना के लिए नाम नहीं पुकारा, क्वायरल्स के लिए नाम नहीं दिया, हमारा क्वायर में नाम नहीं लिखा। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी मैं हो, सब जगह हमने ये काम करा तो हमारे बारे में तूती बोली जाए, हमारे बारे में बात करी जाए। नहीं करोगे तब हम नहीं करेंगे। अरे खुदा के लोगों, आज परमेश्वर आपसे बात करना मांग रहा है। सिर्फ खुदा के खादिमों के पास जाने से या खुदा के खादिमों को अपने घर में बुला लेने से मसला हल नहीं होगा, हमें अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। हो सकता है खुदा का खादिम जिसके पास आप जा रहे हो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इंग्लिश बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती, हो सकता है वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता हो, उसे कपड़े पहनने का तरीका ना आता हो, फटे हुए जूते में हो, साइकिल पे आता हो, आप बेंज गाड़ी में घूमते हो, ऑडी गाड़ी में घूमते हो, होंडा सिटी में घूमते हो, लेकिन खुदा का खादिम हो सकता है आपके पास 2-व्हीलर पे आ रहा हो, साइकिल पे आ रहा हो। कभी अपने आप को उससे बेहतर ना समझिए, कभी खुदा के लोगों से अपने आप को बेहतर ना समझिए। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, जब मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन खुदा के खादिमों को, खुदा के लोगों को जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनको परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहे हैं, उन लोगों को सोचते शायद ये कुछ भी नहीं है। वो अपनी अहम, अपनी मैं, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरी प्रेस्टीज, मेरी पोजीशन, मेरे पास इतना काम है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतने लाख का टर्नओवर, ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर हमने खुदा के लोगों की बातों को नहीं माना। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, चाहे वो प्रभु का सेवक ही क्यों ना हो और चाहे वो इबादत करने वाला क्यों ना हो, मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इंकार करे। याद रखिएगा मुद्र के और हमान का जिक्र, ये बाइबल में बहुत बड़ा जिक्र है, मुद्र के और हमान। बाइबल में लिखा है, वो व्यक्ति चाह रहा था कि ये इंसान खड़ा हो और मेरे को सिजदा करे। एक दिन जब खुदा के उस खादिम ने उसको सिजदा नहीं करा, खड़ा नहीं हुआ उसके रिस्पेक्ट में, तो उसने अपने घर में एक बहुत बड़ी
सलीब बनवा ली कि मैं यहाँ पर इसको फांसी पे लटकवाऊंगा, लेकिन आपको मालूम है जिसने वो फंदा लटकवाया था वही उस पर लटक के मर गया। घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, ईगो कभी किसी को रास नहीं आया है। आज भी खुदा का कलाम बता रहा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हालांकि दुनिया में कहावत बहुत चलती है, आपने भी कई बार सुनी होगी, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये दुनिया कहती है, लेकिन खुदा का कलाम इसके विपरीत कहता है। देखिए, दुनिया की शिक्षा और परमेश्वर की शिक्षा दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। दुनिया ये वाली बात बोलती होगी, लेकिन परमेश्वर ये वाली बात कहता है, अगर तुम चाहते हो खुदा तुमसे पूछे तुम्हारी रजा क्या है, अपनी खुदी को बुलंद नहीं, अपनी खुदी को नीचे लेकर। जब तुम अपने आप को डाउन टू अर्थ करोगे, आसमान का खुदा तुम्हें अप कर देगा। अगर तुम अपनी खुशी को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने आप को नीचे लेकर आओगे, तो आसमान का खुदा तुम्हें ऊपर उठाना शुरू कर देगा। आज बहुत से लोगों में काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ रहे कि हम कहाँ गलत हैं, हमने क्या गलती करी है। मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। ऐसा कड़ा एटीट्यूड होता है, पत्थर दिल वाला होता है, पत्थर सख्त चेहरे वाले बन जाते हैं कि शायद हमसे ज्यादा दुआ करने वाला चर्च में कोई है ही नहीं, शायद हमसे ज्यादा ईमानदार और हमसे ज्यादा भक्त और हमसे ज्यादा धर्मी पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। छुओगे तो जल जाओगे, राख हो जाओगे, हमसे मिलने की बात करने की जरूरत नहीं। यू डर्टी पीपल्स, कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि लोग हमसे बात करते हुए डरते हैं। नहीं, खुदा के लोगों, हमें अपने आप में समझना चाहिए, हमें अपने घर को इस वाले मामले में समझाना चाहिए कि अगर हम खुदा में हैं तो हमें अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आके विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत दुखी पड़ा है, पैरालाइज हुआ है। तब यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हर दफा यीशु मसीह की चंगाई का एक अलग तरीका हो, कभी कह दिया जाट ठीक हो गया, कभी छू के, लेकिन यहां कह रहा है कि मैं चलूंगा। बहुत कम यीशु मसीह किसी से कहते मैं तेरे घर जाऊंगा, और यहां पे आके यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। सुनिएगा, ये बहुत बड़ा आदमी है, कह रहा मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरे हाथ के नीचे कई नौकर काम करते, एक से कह तो जा तो जाता, दूसरे से कहूँ आ तो आता, बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस छत के नीचे मैं रहता हूँ वो जगह ठीक नहीं है। क्या कह रहा है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत पे आए, केवल मुख से कह दे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है, दूसरे कहूँ आ तो आता है, तू यहीं से कह दे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। मैं पराधीन पापी मनुष्य हूं, मेरी छत के नीचे बहुत गंदे काम हुए हैं, मेरी छत के नीचे बहुत षड्यंत्र हुए हैं। ये एडमिट कर रहा है कि मैं गलत हूं, हालांकि बहुत ऊंची पोस्ट पे, लेकिन एडमिट कर रहा है कि मैं गलत हूं। हम कई बार पादरियों से दुआएं करवाते, अपने घरों में प्रार्थनाएं करवाते हैं, मंडली को अपने घरों में बुलवाते होंगे, लेकिन क्या कभी हमने इस बात को रिकॉग्नाइज करा है, एडमिट करा है कि हम गलत हैं, अपनी गलतियों को कभी माना है हमने? हम मानते ही नहीं कि हम गलत हैं। ये झगड़ा हमने थोड़ी ना करा था, मेरी सास गलत है, मेरी बहू गलत है, मेरी देवरानी गलत है, मेरी जिठानी गलत है, मेरी ननद ने ऐसा करा, मेरी भाभी ने ऐसा करा। हम दूसरों पे दोष डालते हैं, और यही कारण होता है कि बावजूद इतनी प्रार्थनाओं कराने के अभी तक हमारी बीमारियां ठीक नहीं हुई है। ये व्यक्ति जानता है कि मैं इस योग्य नहीं कि ये धर्मी पुरुष मेरे घर पे आ सके, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरे घर का वातावरण अच्छा नहीं है, मेरे घर में चीजें अच्छी नहीं है, मेरे घर में षड्यंत्र रचे जाते हैं, बहुत से घर मेरे घर में प्लानिंग हुई है, बहुतों के घर तबाह हुए हैं, बहुतों के बच्चे अनाथ हुए हैं, बहुतों की औरतें विधवा हो गई हैं, बेवा कर दिए मैंने, मेरे घर में गलत काम हुए हैं। इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारे घर में गलत चीज है, मुझे अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। इससे पहले कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आए, इससे पहले कि आप प्रार्थनाएं अपने परिवार में करवाएं, इससे पहले आप किसी पादरी को बुलाएं, किसी खुदा के सेवक को बुलाएं, अपने घर में दुआ कराएं, सबसे पहले आप इस बात को रिकॉग्नाइज करिए, इस बात को एडमिट करिए कि मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई है। दाऊद कहता है, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसल पड़ा है, तो आए खुदा तेरी करुणा ने मुझे संभाली। खुदा की करुणा संभालने को तैयार है, लेकिन पहले मुझे इस बात को एडमिट करने की जरूरत है कि मुझसे गलतियां हुई, मेरे घर में गलत हुआ है। हाँ, मैंने झूठ बोला है, मैंने बदतमीजी से बात करी है, मुझे अपने भाई से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने माँ बाप से पलट के ऐसे जबरदस्ती और जोर अफजाइश नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आंखें निकाल के बात नहीं करनी चाहिए थी। आए बच्चों, जवानों,
अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों से, बड़े भाई बड़ी बहन से कभी भी आंखें निकाल के बात मत करो, ऊंची आवाज में बात मत करो। कई बार हम ज्यादा लाड़ में आके, कई बार हम ज्यादा, हमारे घरों में हमें ज्यादा छूट मिली हुई है तो हम पलट के जवाब दे जाते हैं अपने बड़ों से, अपने बड़े भाई बड़ी बहन से, हम लोग बदतमीजी से बात कर जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है, जो अपनी बाप को और माँ को घृणा की निगाह से देखता है, जलालत की निगाह से देखता है, नीति वचन में लिखा है उसकी आंख को वादियों के कौवे नोच नोच के खा जाए, सारा भविष्य अंधेरे में आ जाएगा। आंख मतलब भविष्य, दूरदृष्टि, आने वाली चीजों को देखना। बाइबल बताती है सब वादी के कौवे खा जाए। यार बहुत से परिवार इसीलिए, बहुत से जवान इसीलिए आज कामयाब नहीं हो रहे, पढ़े लिखे हैं लेकिन कामयाब इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अपने से बड़ों से बदतमीजी से बात करते हैं। चलो बात कर ली सो कर ली, बदतमीजी कर ली सो कर ली, मिसबिहेव हो गया तो हो गया, लेकिन हम मानते नहीं हैं, रिग्रेट नहीं करते हैं, हमें अफसोस नहीं होता इस बात का कि हमसे गलत हुआ है। सूबेदार ने यही काम करा, जब यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर आऊंगा तो कहने लगा मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तो यहीं से दुआ कर। यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान मैंने अपने लोगों में नहीं देखा, मेरे लोग दुआ करवाते हैं मुझसे, मेरे लोग बुलाते लेकिन वो रिग्रेट नहीं करते कि हमसे गलती हुई है। वो डाकू जो यीशु मसीह के एक तरफ टंगा हुआ था कहने लगा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, ठीक सजा पा रहे, इसने तो कोई गुनाह ही नहीं करा है। आई गुरु, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो रिग्रेट कर रहा है कि हमसे गलतियां हुई है, हम इस योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू, मैं आपको कह सकता हूं, मैं प्रभु के सेवक होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि अगर आज ही आप अपनी गलतियों का एहसास कर लें और जब भी आपसे गलतियों आप एहसास करके माफी मांगे जाके उस व्यक्ति से, तो मैं आपको बताऊं उसी क्षण आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। अगर इन दिनों के अंदर, इतने समय के अंदर, इतने महीनों हफ्तों सालों बीत गए, अगर हमारे जीवन में आज तक कोई काम नहीं हो पा रहा है बावजूद प्रार्थना के, बावजूद चर्च जाने के, हम तो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, अब तो हम इबादत करते हैं, अब तो हमने वो सारी बातें छोड़ दी हैं, अब तो हम किसी और के आगे सर भी नहीं झुकाते, अब तो परमेश्वर के आगे झुकाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मसले हल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम रिग्रेट नहीं करें कि हमसे गलती हुई है। लूका 19:1 के अंदर लिखा है उस जकाई के, जब वो जकाई यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आया, यीशु मसीह ने कहा था मुझे तेरे पास, तेरे घर में जाना जरूरी है, तो यीशु मसीह को जब ला रहा था अभी घर में नहीं लाया, लिखा है बाहर खड़ा कर दिया, कहने लगा मुझे घर जाकर ठीक करना है, वो घर में दौड़ के गया और लिखा है अपना आधा माल गरीबों में बांट दिया, किसी से नाहक लिया चौगुना फेर दिया, घर की सफाई कर रहा है, वो जानता मेरे घर में बड़े गंदे काम हुए, यीशु मसीह इससे पहले तू मेरे घर में आए मुझे अपना घर ठीक करने की जरूरत है, मुझे अपने आप को डाउन करने की जरूरत है, मुझे इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैं कहां गलत हूं और मुझे अपनी गलती को ठीक करने की जरूरत है। आए खुदा के लोगों, जब आप खुदा की इबादत करो, जब आप खुदा के घर में जाओ, जब आप खुदा को अपने घर में बुलाओ, लिखा है सोमदेश की किताब 5वें अध्याय में, सो जब तू खुदा के घर में जाए तो अपनी चाल पर ध्यान दे रहा, मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे दुआ कर रहा हूं, कहीं मेरी प्रार्थना उस फरीसी की तरह तो नहीं जो दूसरे से कंपेयर कर रही है कि मैं उसकी तरह खराब नहीं हूं, मैं उसकी तरह झूठ बोलने वाला नहीं हूं। कई बार हम अपने आप को ठीक और दूसरे को गलत बताते हैं, चर्चिस के अंदर भी हम अपने आप को ठीक दूसरे को गलत बताते हैं, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारियों में हम अपने आप को ठीक और दूसरे को गलत बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बहस करवा लो हमसे, रात भर बहस कर लेंगे, सालों साल बहस कर लेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि हमसे गलती हुई है, हम हमेशा दूसरे को गलत और अपने आप को ठीक बताते हैं। अगर ये एटीट्यूड आपका है, ये बिहेवियर आपका है, तो मुझे कह लेने दीजिए, फिर हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यही है कि हम इस बात को माने कि हम छोटे हैं, हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, हम सेल्फ डिनाय करें अपना, उसकी सलीब को पहनने का मतलब यही है, सेल्फ डिनाय करना। जकई ने जब ये वाला काम करा, तब यीशु मसीह खड़े होकर कहने लगा आज इस घर में उद्धार आया है। देखिए, मैं चाहता हूं भजन संहिता की किताब 4 अध्याय, और मैं चाहूंगा कि इसकी 4 आयत की 2 लाइन को पढ़ें, उसमें लिखा है अपने अपने बिछौने पर। जब आप बिछौने पर लेटे हो, जब आप बेड पर लेटे हो, जब आप दिन में लेटते हो या रात को जब आप सोते हो, कई बार हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आती है, हम दिन भर की सारी बातें सोचते रहते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कल हम उसको ऐसा जवाब देंगे, हम उसको ऐसा रिप्लाई करेंगे। लेकिन सुनिए, बाइबल बता रही है अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ये वर्ड बहुत जरूरी है कि चुपचाप रहो, अपने मन में सोचो, सोचते रहो कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं जब इसको इंग्लिश में पढ़ा था तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में लिखा है ऑन बेड
सर्च योर हार्ट, अपने मन को टटोलो। जब आप बिस्तरों पे लेटते हो अपने मन को टटोलो। भजन संहिता के अंदर मूसा ने 3-4 अध्याय लिखे हैं और मूसा 90 अध्याय में जाके कहने लगा, आए खुदा मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। सोचो कि दिन भर तुमने क्या करा, क्या तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए थी, क्या तुम्हें छुप के सिगरेट पीना तुम्हारा सही है, क्या बीवी से झूठ बोल के किसी और से मिलना सही है, मम्मी पापा से झूठ बोल के कहीं और जाना सही है, अपने आदमी से झूठ बोल के ये वाली बात करना सही है, जो तुम अपनी सास से बदतमीजी से बात करती हो, पीछे उसकी बुराई करते हो, क्या वो सही है, जो तुम अपनी बहू की गलत बयानी करती हो और अपने बहू के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हो, क्या वो सही है, जो तुम अपनी देवरानी के लिए और जेठानी के लिए गंदी गंदी बातें बोलते हो, क्या वो सही है, जो तुम कटाक्ष बोलते हो, क्या वो सही है, जो तुम दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हो, क्या वो सही है। अपने दिल में सोचो कि चर्च के अंदर जो तुम्हारा बिहेव है किसी दूसरे फैमिली के साथ, क्या वो सही है। अपने अपने बेड पर जब जाओ तब सोचो, जो मैंने आज करा है, जो दिन भर मैंने करा है, क्या वो सही है। सेल्फ डिनाय, अपने आप का इनकार करें। बहुत सी चीजें होंगी हमारे जीवन के अंदर जो हमें उकसाएंगी कि हम ये वाला काम करें और ये वाला काम ना करें, लेकिन आज जरूरी है मेरे और आपके लिए कि हम अपनी उन चीजों को जो हमें सही लग रही है, जो हमें ठीक लग रही है, जो हमें लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आसमान के खुदा को सही ना लग रहा हो, उन चीजों को अपने जीवन से दूर करिए। आए खुदा के लोगों, आए खुदा की इबादत करने वालों, इन बातों को अपने जीवन में आज ठीक करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। खुदा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह इन सब पे बरकत दे, ताकि ये वचन जो आज सुना गया है, ये वचन जो आज इनके जीवन में बोया गया है, इन वचनों के द्वारा अपने आप को ठीक करें। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर में बने रहिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू। स्माइल स्माइल Jesus loves you. Smile, smile. Jesus loves you, for precious to his to me. Dance, dance. Jesus loves you. Dance, dance. Jesus loves you. Dance, dance. Jesus loves you, for precious to his to me. Sing, sing. Jesus loves you. Sing, sing. Jesus loves you. Sing, sing. Jesus loves you, for precious to his to me. Clap, clap. Jesus loves you. Clap, clap. Jesus loves you. Clap, clap. Jesus loves you, for precious to his to me. Praise the Lord. उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, एस 410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891515223।